मैं हूं अभिषेक मिश्रा रालोसपा नहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबर है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कभी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। पार्टी का विलय हुआ जेडीयू में और वे जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, एमएलसी बन गए और जाहिर है अब कभी बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मंत्री भी बनेंगे। लेकिन उन नेताओं का क्या हुआ जो रालोसपा में कई अहम पदों पर थे, उन्हीं को लेकर खबर है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के कई करीबी नेताओं की एंट्री भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू में हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई उनके जो पार्टी के करीबी नेता थे रालोसपा के, उन्होंने जेडीयू में एंट्री मारी थी। लेकिन खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के खास सिपाह सलारों में से कुछ लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का साथ क्या जेडीयू का साथ छोड़ सकते हैं। यानी कि जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया, वो लोग जेडीयू को छोड़ सकते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों का दामन थाम सकते हैं, ये खबर है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये ऐलान किया था कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को बताया था कि वो अब अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करने जा रहे हैं, तभी से उनकी पार्टी के कई लोग अपना भविष्य तलाशने लगे थे, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे थे। और मधु मंजरी और जो दूसरे नेता हैं उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के कई बड़े चेहरे, कई महत्वपूर्ण चेहरे उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू उन्होंने ज्वाइन की थी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और वो जानकारी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के कई करीबी नेता जेडीयू छोड़ सकते हैं और उनकी नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनको पार्टी में वो भाव नहीं मिल रहा जिसकी अपेक्षा उन्होंने की थी, जिसकी उम्मीद उन्होंने लगाई थी। तो ये बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी कुछ नेता जेडीयू छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।